कैसे? अरे कंगना, राजकुमार राव। अरे बाबरी, मैं क्या असली में देख रही? क्या ओरिजिनल? जी बिल्कुल, ये ओरिजिनल है। ये तो मेरा बचपन से। इतना सजदर के कहाँ जा रही रोजी? अरे बाबा, मैं हनीमून से आ रही है। हनीमून पे गई थी, कितना एंजॉय किया। एंजॉय बोलेगा तो मजा, मजा बोले तो एंजॉय। मैंने इतना किया, इतना किया। और खास बात क्या है मालूम है? मैं हनीमून को अकेले गई थी, मेरा हस्बैंड नहीं गया था, लेजी। आंटी, आपके साथ जो भी हनीमून मनाएगा ना, उसका बेड़ा गर्क तो पक्का ही है। तुमको चलने का हनीमून? क्या तुम्हें बिना हस्बैंड के हनीमून हो गया ये? अरे बाबा, हनीमून पे अकेले जाना अभी लेटेस्ट फैशन है, मार्केट में यही चलते है। अभी हस्बैंड वाइफ साथ साथ नहीं जाते हनीमून को, तुमको नहीं मालूम ना? पिछड़े लोग। अरे बाबा, लेटेस्ट मार्केट में यही चालू है। कंगना को पूछो, अभी भी हनीमून पे अकेली जाके आई है। अच्छा कंगना, झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। नहीं, एक एक बार सच्ची बोलना। हनीमून पे अकेले गई थी, मजा किया? मजा बोले एंजॉय, एंजॉय बोले तो मजा। बहुत मजा किया ना सच में। वैसे मैं क्या बोलती है, हनीमून पे अकेले जाने का ये सिस्टम नवा नहीं है, ऐसा मत समझो। समझे ना? ये जहाँ हनीमून पे अकेले जाने का सिस्टम एक्चुअल पूछेंगे, तो मेरी फैमिली में दादाजी के टाइम से, मेरे दादा दादी का शादी हुआ था ना, वही टाइम पे इंडिया का पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन बोले बंटवारा, बंटवारा बोले पार्टीशन। तो दादाजी हनीमून को चले गए पाकिस्तान, और दादी इधर थी इंडिया में। फिर भी वो टाइम पे 14 बच्चे हुए। ये तो झूठ है रोजी, ये कैसे हो सकता है? तो झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी मत बोल। तो बच्चे कैसे हुए फिर? बच्चे कैसे हो गए? कैसे नहीं होंगे, अपने अटल जी है ना। अटल जी ने पाकिस्तान से समझौता करके लाहौर और दिल्ली का बस चलाया था, तो दादाजी वही बस में बैठ के दिल्ली आते थे, कुचिर कुचिर वापस। रोजी, तू डिस्टर्ब करने क्यों आई है? मैं क्या बोलती है, मैं बहुत डिस्टर्ब है बाबा। मेरा ना, मेरी शादी में बहुत लफड़ा हुआ। खूबसूरत छोकरी का तो चलना बहुत मुश्किल है। क्या मैं ऐसे अपनी शादी में से बालकनी में से खड़ी थी, तो बारात आ रही थी, तो ऐसे निकाल निकाल के ऐसे ऐसे देखती, तो मैं भी ऐसे ऐसे करती थी। तो बाराती इतने हलकट रहते। एक बाराती मेरे को देख के कहता है, हेलो हेलो, नाम क्या है? मैं भी शानी। मैं बोला, मेरा नाम है दीदी दीदी। पर वो हलकट क्या बोलते है? क्या वो हलकट क्या बोलते है? अच्छा, तुम्हारा नाम दीदी है, मेरा नाम जीजा जी है। सुंदर छोकरी का बहुत तकलीफ है। किसी घर में सुंदर छोकरी है ना, उससे पूछो कितना संभालना पड़ता है, उसका कितना टेक केयर करना पड़ता है। ए रोजी, अभी तुम हमें भी तकलीफ दे रही है। क्या तकलीफ दे रही है? हाँ। कुछ भी ऐसा बोलने का नहीं, समझा? क्या मैं तो खाली ये पूछने को आई थी। हेलो, कैसी, हाउ आर यू? मैं बहुत ठीक हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। मैं तो ये पूछने को आई थी कि जब तुम हनीमून के लिए अकेले गई थी, तो जब वापस लौट के आई, तभी तुम्हारा हस्बैंड मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला। बस इसी खुशी में लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट बोले तो एंजॉय, एंजॉय बोले तो मजा। मजा चालू करने का मजा। ए तुम भी मजा करने का? हाँ कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही मोहल्ले वाले परेशान करने आ जाते हैं। लेकिन आपके जो असली फैंस हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप तो आए भी पहली बार है राजकुमार। और कंगना, पिछली बार जब आप आई थी तो शहर से बाहर हमारा घर बना हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे आपके फैंस पूरे भर भर के आए हुए हैं। जी हाँ, आप कंगना और राजकुमार से अपने दिल की बातें कर सकते हैं एक एक करके। कौन पहले आ रहे हैं? खोलो दिल के किवाड़। नमस्कार कपिल सर। नमस्कार श्रीकाल सिद्धू पाजी। मेरा सवाल है कंगना मैम से। उनको नमस्ते तो करो पहले। नमस्ते कंगना। नमस्ते सर। मेरा सवाल है आपसे कि मैम बैठ सकते? अच्छा ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ रियल लाइफ में आपका किंग कौन है? आप क्यों जानना चाहते हैं? आप, आपको कोई लेना देना नहीं सर, कन्यादान करना है। प्लीज कंगना, डोंट
टेल, मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। देखिए आप, अब इन्होंने खुद ही मना कर दिया तो कैसे, मैं कैसे कहूँ? किसी और का नाम ले दो, किसी और का। आपका किंग से क्या मतलब है कि किंग से मतलब क्या मतलब हस्बैंड? मैम आपका बॉयफ्रेंड या आपके होने वाले हस्बैंड कोई भी, जो आपको, जो आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। जिसे मैं सबसे ज्यादा लाइक करती हूँ? जिसे हम लाइक करते हैं वो कहाँ मिलता है? लेकिन आप तो क्वीन हो, आपको तो मिल सकता है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका सेम ही हाल है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, हिंदुजा कॉलेज से बीएमएस कर रहा हूँ। हाँ तो जिस भी कॉलेज से कर रहे हो पढ़ाई पे ध्यान दो, लोगों के राजा रानी मत बनना। गर्लफ्रेंड तो नहीं है कोई? नहीं सर, सर छूट गई सर। अपनी छूट गई, लोगों के बारे में पूछ रहे हैं सर। चलिए सर, छूट गई, सर छूट गए तो दूसरी ट्राई कर रहा हूँ सर। छूट कैसे गई, मतलब ट्रेन में बैठी हुई थी, पकड़ नहीं पाया कैसे? ये गर्लफ्रेंड थी कि शराब थी, छूट गई? दोस्तों के साथ आए? सर मेरे कजन के साथ आया हूँ सर, दोस्त और कजन। अच्छा, कहाँ है कजन सारे? सर ये सर, हाउ आर यू कजन? ऑल गुड? सब पढ़े लिखे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं सबके? है जी, आप भी? सर सब MBA कर रहे हैं। ये भी पढ़ रहे हैं? सही से बताना कितनी बार फेल हुए हैं आप? पास तो हो जाऊं हैं? अरे माइक की टोपी, माइक छूट गया। आप भी पढ़ रहे हैं अभी? हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो यार, क्यों पढ़ी जा रहा है? सर कुछ ज्यादा समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो आप सब एक ही, मतलब आप भी MBA कर रहे हैं? नहीं सर, सर CA कर रहा हूँ। आप CA कर रहे हैं, और ये भाई साहब? सर आई एम डूइंग MBA। अच्छा, आप इंग्लिश में MBA कर रहे हैं? और ये भाई साहब? जॉब ढूंढ रहा हूँ। आपकी MBA हो गई? नहीं सर। आपने की नहीं? करूँगा सर आगे जाके। यार लोग MBA करके नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी करके MBA करेंगे क्या, मतलब मैं समझा नहीं। चलिए अच्छी बात है ब्रदर, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, पढ़ाई लिखाई करिए। शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय सर, मेरा नाम पवन सिंह है और मैं विठलवाड़ी से आया हूँ। एक आराम से, ट्रेन है? क्या हुआ? जी सर, क्या नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम पवन सिंह है। अच्छा जी, मैं कंगना जी के लिए गाना मैंने कंपोज किया है, और अच्छा। मैं चाहता हूं कि सर आप जो है रोमांटिक डांस करेंगे उनके साथ। हम लोग ने काफी देखा है कपिल सर को रॉकिंग डांस करते हुए। पर मेरे को डांस करते कहां देख लिया आपने? सर आप शो में डांस करते ना पीछे, यो टाइप समथिंग। बात नहीं सर, पहले अपनी कंपटीशन सुनाइए आप। कंगना तूने क्या किया? कंगना ने कुछ नहीं किया, आपने देखा नहीं उसकी तरह। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री उनके साथ जमती है कि नहीं। अच्छा सर, ग्रेट चांस है, बहुत अच्छा चांस है। अच्छा आप मुझे ब्रेक दे रहे हैं। सर मैं डांस देखना चाहता हूँ आपका, आप रोमांटिक डांस कैसे करते हो, आपके एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। कम ऑन कपिल सर। कपिल 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 कपिल। तो सर प्लीज, ये जो वर्डिंग है ना उस पे स्टेप क्या, कंगना तूने क्या किया, क्या करूंगा, वही तो देखना है। हाँ यस सर, वही देखना है सर, आपके एक्सप्रेशन देखने सर। दोबारा मुझे लिरिक्स सुनाइए आप। कंगना तूने क्या किया, जिया मेरा ले लिया। अच्छा, नैनो में बसा के तूने नैनो को भिगो दिया। नैनो में बसा के नैनो को भिगो, नैना के वॉशिंग मशीन है तुम्हारे नैनो। ये क्या मतलब? लास्ट वाली लाइन ठीक करके लाइए, मैं बाद में। सर प्लीज एक बार पक्का भाई आपको डांस करके दिखाऊंगा, पर क्या आपका दिल कर रहा है ना मुझे डांस करते देखने का? सर एक रैप कर दूं, आप उस पे कर सकते हो? कम से कम रैप पे तो कर दो सर, आज देखना चाहूंगा सर। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। हेलो, पुलिस नहीं, मैं सीधे आतंकवादी बुला रहा हूँ। अरे एक बंदा घुसाया है। जी हाँ, कभी मेहमानों को तंग कर रहा है, कभी हमें कर रहा है, क्या करे इसका। ठीक है सर, बाहर आए आप, लेने आए आपको। मैं आपको डांस करके दिखाऊंगा बाद में। थैंक यू ब्रदर, पर आपने बड़ा अच्छा गाना गाया। थैंक यू, थैंक यू सर। जी और कोई राजकुमार से या कंगना से बात करना चाहते हैं? जी भाई आगे देखो इधर। हाय मैम। हेलो। हेलो सर। हेलो,
मेरा नाम विवेक है, मैं पुणे से आया हूँ। अच्छा जी विवेक, मेरा क्वेश्चन राजकुमार सर जी से। जी मैंने राजकुमार सर जी की मूवी देखी है, तो आप थोड़े से शर्मिले शाही टाइप के लगते हो, तो मैं यहाँ पे डांस करना चाहता हूँ। डांस करना चाहते हैं? या बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। हाँ तो डांस करके आप थोड़ा सा खुल जाए, इसके लिए मैं थोड़ा सा डांस करना चाहता हूँ। आप इनको खोलना चाहते हैं, खुद खोलना चाहते हैं? सर जी को, सर जी को खोलना चाहते हैं? अरे वाह, आइए आइए। मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ कोई आवत है कोई जावत है, जो खुल के सामने आए वही मल्लिका शेरावत है। यस विवेक, कौन से गाने पे डांस करना चाहते हैं? कोई भी गाना सर। कोई भी गाना? कोई भी गाना? या इतना कॉन्फिडेंस? या ठीक है, लगाइए बहारो फूल बरसाओ। थैंक यू विवेक, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। बहुत ज्यादा ही खुल गया यार, छुपा रुस्तम निकला यार तू तो, छुपा रुस्तम। इन्होंने मतलब तीन पीढ़ियां दिखाई आपको, पता है एक ही डांस में। बीच में एक स्टेप इन्होंने ये भी किया था ना, वो वाला पहले कोयले वाले इंजन आते थे ना, कोयले वाली गाड़ियां भर भर के ऊपर फेंक रहे। फिर बीच में इन्होंने समाज को संदेश भी दिया कि दान पुण्य करना चाहिए। जो है आप दे दो सामने वाले को। चलिए बड़ी अच्छी बात है ब्रदर, आपने बड़ा अच्छा डांस किया। थैंक यू सर, ऐसा बोलना पड़ता है। थैंक यू विवेक। और कोई हमारे दोस्त? थैंक यू जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो सर। सर मेरा सवाल सिद्धू पाजी से है। जी अबे मेहमान वो है, लेकिन आज आपसे पूछना है सर। ठोको सर, मैं चाहता हूँ सिद्धू पाजी थोड़ा कंगना मैम के साथ थोड़ी डांस कर ले, थोड़ी आप तैयार हो? तैयार हो? वंस अगेन सिद्धू पाजी एंड कंगना। ये मैं दुखवा रहा हूँ, जबरदस्ती डांस करा रहे हो यार बेचारी, वो इतना अच्छा डांस करती है और मैं बीच में रंग में भंग डालूंगा, क्या कर रहे हो? तू मरवाएगा मुझे। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया जी। हाँ जी सर। नमस्कार सिद्धू पाजी जी, नमस्कार कपिल जी, नमस्कार जी, नमस्कार राजकुमार। सिद्धू पाजी ने आज जो डांस जो किया है बहुत अच्छा काम डांस किया है, मैं भी उनके साथ डांस करना चाहता हूँ। किनके साथ? अच्छा सर आइए आइए प्लीज आइए, बिल्कुल आपकी छोटी बेटी जैसे। अंकल संभाल के रखना। आइए कपिल जी, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। जी सर। कि आपको खारिज हो रही है? नहीं नहीं। अच्छा एक क्या है, ये जो प्रोग्राम जो है अभी लाफ्टर चैनल का जो है जो प्रोग्राम है आपका, ये जो कॉमेडी का है, तो ये एक मेडिसिन है और ये मेडिसिन आप 10 से 11 बजे तक ऐसा देते हैं कि आप सब सबकी तबीयत सुधर जाती है। अरे शुक्रिया सर। तो आप अकेले हैं? ना मेरे साथ है, मैं मेरा लड़का हूँ, मरीन इंजीनियर है। अरे वाह, हाउ आर यू? गुड। यस गौरव, ही इज आल्सो गुड डांसर। हाउ आर यू गौरव? यस। आप डांस करना चाहते हैं कंगना जी के साथ? जी जी। Okay. ये आपके ट्रू फैंस हैं कंगना, आप इनको मना कर ही नहीं सकती। ओके okay. कंगना बहुत क्यूट है। आपको एक बात बताऊं, आपको यहाँ पे डांस करते देखना, आपका बेटा बहुत खुश हो रहा था कि मेरे पापा नाच रहे हैं आज कंगना के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ा अच्छा दिल से डांस किया आपने, और शुक्रिया हमारे जो गेस्ट हैं उनको एंटरटेन करने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।